नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जारी कर दिया गया है। इसके तहत पहले शिक्षकों को शिक्षा दी जाएगी, फिर प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों की पढ़ाई करेंगे। लेकिन शिक्षा नीति के प्रारूप में कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो शिक्षा जगत और राजनीति के क्षेत्र में खींचतान का विषय बन गए हैं। दरअसल नई शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर उठे विवाद के बीच नई शिक्षा नीति का संशोधित मसौदा जारी कर दिया गया है। इसमें गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी अनिवार्य करने का उल्लेख भी नहीं है। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्य दलों ने नई शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध किया था। इन सियासी दलों ने आरोप लगाया था कि ये हिंदी भाषा थोपने जैसा है। साथ ही ऑनर्स में डिग्री 3 साल से 4 साल की गई, इसमें चौथा साल सिर्फ रिसर्च का साल होगा। इस नीति को लेकर सबकी अलग अलग राय सामने आ रही है। जैसे ही हमने इस मुद्दे पर चर्चा की, तो अब हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपनी इस खास पेशकश में, नीति नियत और नाराजगी में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पाठ्यक्रम में भारतीय शिक्षा प्रणाली को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन और निजी स्कूलों के मनमाने तरीके से शुल्क बढ़ाने पर रोक लगाने जैसी सिफारिशें की हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में जंग जारी है। आखिर 650 पेज की शिक्षा नीति 2019 में क्या कुछ खास और कमियां हैं इसमें, इसको लेकर शिक्षाविद डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप तैयार हो गया है, जिसे जारी कर दिया गया है। इसको लेकर समाज में मतभेद की स्थिति सामने आ रही है, तो इसको लेकर शिक्षाविदों का क्या कुछ कहना है, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर तपेश चंद गुप्ता जी। इनसे जानते हैं कि ये प्रारूप में क्या कुछ है, क्या अच्छा चीज है, क्या संशोधन की जरूरत है। जी सर, तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो प्रारूप तैयार किया गया है उसको किस तरह से नीति में बदलाव किया जाएगा। नीति में बदलाव की बात नहीं है, ये प्रारूप तैयार हुआ है, ये सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ पे चर्चा के बाद जो आवश्यकता या जो महसूस करेंगे सदन में, वो पारित किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, शिक्षा नीति में कोई ये उच्च शिक्षा पर नहीं है या कोई प्राइमरी शिक्षा पर नहीं है, ये समग्र शिक्षा पर है। ये पूर्ण रूप से पहला इसका बिंदु है, शिक्षा का तात्पर्य समस्त प्रकार के शिक्षा से है। इसको विभक्त नहीं किया गया है, पर जब प्रतिवेदन बनाया गया तो प्रतिवेदन के प्रारूप में प्राइमरी शिक्षा को अलग रखा गया, उच्चतर माध्यमिक शाला को अलग रखा गया, उच्च शिक्षा को अलग लिखा गया और अनुसंधान को और पेशेवर शिक्षा को अलग अलग रूप में विभाजित किया गया। अब जहां तक प्राइमरी शिक्षा की बात है, तो यह कहा गया कि प्राइमरी शिक्षा हमको इस प्रकार की देनी है कि बच्चों में राष्ट्रीयता का बोध हो, पहली बात। दूसरी बात, उस पर अच्छा संस्कार बने, अच्छा नागरिक बने, इस ओर ध्यान उसका केंद्रित किया गया है और उन्हीं विषयों को लेकर पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। पाठ्यक्रम में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है ताकि वह उसमें किसी प्रकार के बोझ महसूस ना करे, उसके ऊपर बस्ते का बोझ ना हो, उसके ऊपर तनाव ना हो, शिक्षा के नाम पर जो आ सके तनाव होके आता था उसे मुक्त रखने की कोशिश की जा रही है। प्राइमरी स्कूल के बाद जैसे ही बच्चा मिडिल स्कूल में आता है तो वहां पे उसको 3 भाषाएं पढ़नी होगी। जैसे अभी तक हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पढ़ते आए हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अब यह राजनीतिक मुद्दा हो गया है, ये हम बात करें, अभी आपने जैसे बताया कि भाषा चुनने का है, तो भाषा चुनने का अधिकार राज्य के पास होगा कि बच्चों के पास होगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या राज्य सरकार क्या पढ़ाना चाहते हैं। देखिए, शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना केंद्र और राज्य की है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं मान के चलता हूँ कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो तीसरी भाषा का चयन करे। 4 वर्षों की बात बता रहे हैं आप, उसमें जो शोध की बात हो रही है 1 वर्ष का, तो इसमें क्या क्या जरूरतें होंगी जो फिर हाल अभी जो शिक्षा नीति है उसमें अभी हमारे पास ये सारा जो लैब सिस्टम है उपलब्ध नहीं है हर जगह। देखिए, जो रिसर्च वर्क की बात कही गई है, ये रिसर्च वर्क 2 प्रकार के होंगे। एक तो फील्ड वर्क हो सकता है, प्रयोगशाला के आधार पर भी हो सकता है, और दूसरा बच्चे को अनुसंधान करने के लिए लेबोरेटरी में बैठना पड़े, प्रयोगशाला में ही बैठना पड़े और उसके आधार पर कार्य करे, कुछ उसको प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना पड़ेगा, लिखने का कार्य। और इसी मुद्दे पर रायपुर स्टूडियो में मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर तपेश चंद गुप्ता शिक्षाविद, डॉक्टर अजय चंद्राकर शिक्षाविद, साथ ही
सैयद फासिल शिक्षाविद। जी बेबा, धन्यवाद सीएम। और नई शिक्षा नीति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं शिक्षाविद सैयद फाजिल साहब और प्रोफेसर अजय चंद्राकर जी। तो शुरुआत में फाजिल सर आपसे करना चाहूंगा कि जी आपको लग रहा है कि शिक्षा नीति के आने के साथ जो परिवर्तन बता तकनीकी कारणों के चलते यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो दर्शकों को बता दें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पाठ्यक्रम में भारतीय शिक्षा प्रणाली को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन और निजी स्कूलों के मनमानी तरीके से शुल्क बढ़ाने पर रोक लगाने जैसी सिफारिशें की हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में जंग जारी है। आखिर 650 पेज की शिक्षा नीति 2019 में क्या कुछ खास कमियां हैं और क्या कुछ खास है इसमें, इसको जानते हैं। लेकिन शिक्षाविद डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता का भी यहाँ बयान सामने आया है इस बात को लेकर, सुराज एक्सप्रेस ने बात की। तो वैभव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी वैभव, देखिए शिवम, इस वक्त हमारे साथ अब प्रोफेसर तपेश चंद्र गुप्ता जी भी आ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। मैं बातचीत की शुरुआत कर रहा था सैयद फाजिल सर से। फाजिल सर, आपको क्या लग रहा है कि नई शिक्षा नीति की जो शुरुआत की जा रही है, जिसे लागू करने का प्रयास हो रहा है, जिसमें सुझाव भी सरकारों की तरफ से मांगे गए हैं, आपको लग रहा है कि इससे कुछ सुधार की गुंजाइश है? क्योंकि अक्सर सवाल देश के भीतर में ये उठता है कि हमारी शिक्षा नीति अच्छी नहीं है, जिसके चलते हम पिछड़ते जाते हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी का एक बड़ा कारण शिक्षा को बताया जाता है। ठीक है, देखिए नीति तो देखिए पहले भी बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, नई नीतियां आई, लेकिन वो रीत में नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो इसको लगाने वाले जो लोग हैं, जो आपके मिशनरीज हैं, तो वो बहुत ट्रेंड नहीं है। तो आपको पहले उनको वो विजन देना पड़ेगा। आपने एक विजन लेकर आया, वो विजन आप अपने टीचर्स तक कैसे पहुंचाओगे? क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं है, वहां पर टीचर्स होंगे, तो वो टीचर्स में वो विजन पहले डेवलप करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर इस कोई भी नई बात, इवन पुरानी जो शिक्षा नीति है वो भी अगर ठीक तरह से लगाई गई होती तो आउटपुट कुछ और ही होता। बात नई और पुरानी की नहीं है, बात है इम्प्लीमेंटेशन की, बात है क्वालिटी ओरिएंटेशन की, बात है ट्रेनिंग की, बात है एक ऑनेस्ट एप्लीकेशन की, और वो नहीं हो पाया। जब तक वो नहीं हो पाएगा, आपके पास एक पूरे ट्रेंड लोग नहीं हो पाएंगे, तो वो एक पूरी आर्मी, एक पूरी फौज चाहिए आपको। वो पूरी फौज जब लग जाएगी काम से, तो एनी शिक्षा नीति, चाहे जो चल रही है प्रेजेंट में या जो पास में थी, वो भी कारगर है किसी अच्छे आउटपुट को लाने के लिए। अच्छा आउटपुट नीति से नहीं आता, रीति से आता है, तो रीत में कैसे लेकर आओगे आप? तो वो उनको डीएनए में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, एंड दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। एक हम हर 5-6 साल में इससे बदलाव नहीं कर सकते, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो उसके बाद कहीं जाकर ये बदलाव आएगा। तो उसमें बड़ी चीजें हैं, एक तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजट बहुत कम है आपका, बजट बढ़ाइए आप, नीति से नीति के अलावा जो और फायदे और काम करने होंगे तो बजट और बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कि इस चीज को पहले एक सकारात्मक माहौल बनाइए देश में, कि सब लोग इसको कुछ थोपिए मत, थोपने से कुछ लोग नहीं करेंगे। जब तक कि इसमें एक कॉमन मिनिमम एटीट्यूड आ जाए, कॉमन मिनिमम एक्सेप्टेंस आ जाए,
और इसके बाद फिर इसकी विश्लेषण करें, इसमें क्या चीज है वो ट्रेंड किया जाए, समझाया जाए, तब वो टीचर समझेगा, इसके बाद बच्चों में इंजेक्ट करेगा। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, अभी देखना पड़ेगा कि इसमें और क्या बदलाव होंगे, जैसे भाषाओं के बदलने से या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लगाने से या छोटे मोटे मूल चेंजेस करने से बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं आएगा। पिछले 40-50 साल में आप देख रहे हैं। मैं ये सवाल आपसे एक और करूंगा कि मार्क्स की शिक्षा नीति को लेकर के बात होती है, अब जो शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि संघ जैसा चाहता था, आरएसएस जैसा, आरएसएस की जैसी सोच थी, उस तरीके की शिक्षा नीति लाई जा रही, ये कहा जा रहा है। ये सवाल का जवाब मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले इस चीज को और मैं समझते हैं सर, जो शिक्षा नीति में जो बातें कही गई है, ऐसे कौन कौन सी जो बातें हैं जो अब तक छूटी रह गई थी, क्या उनको शामिल किया गया है, और क्या कहीं कोई विवाद की गुंजाइश है क्या, जैसे कि कुछ राज्यों में विवाद की स्थिति बनी है? बिल्कुल वैभव जी, यह शिक्षा नीति 1968 में जो पहला शिक्षा नीति आया, या फिर 1986 में जो आया, या 1992 में जो संशोधित किया गया शिक्षा नीति में, उससे सभी दृष्टिकोण से यह कंप्लीट शिक्षा नीति नजर आ रही है। इसमें अभी तक इसके पूर्व के शिक्षा नीतियों में 18वीं शताब्दी में 1835-36 में लॉर्ड मेकाले की जो नीति थी वही क्रियान्वित हो रही थी। उसके बाद 1936 के आसपास गांधी जी जो बुनियादी ढांचे की बात करते थे वो कुछ उनका लक्षण दिखाई दिया था। इस शिक्षा नीति में आप देखिएगा कि देखिए 92 से लेकर के आज 27 वर्ष हो चुके, 27 वर्ष में दुनिया काफी बदल गई है। तो जो भी इस शिक्षा नीति को का जो ड्राइंग तैयार किए हैं वो लोग 21वीं शताब्दी के पूरे एंडिंग तक के लिए भारत की शिक्षा नीति जो होनी चाहिए उसके लिए उनको बधाई देते हैं, भरसक शानदार प्रयास किए। जैसे अभी तक जैसे 1995 में मिड डे मील आया, मिड डे मील की व्यवस्था हुई, लेकिन इस शिक्षा नीति में उन बच्चों को, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए न्यूट्रिशन के दृष्टिकोण से दूध और केला की भी बात की गई है। त्रिभाषा तो 68 में भी था, 86 में भी था, 92 में भी था, आज भी है, लेकिन ये कंपलसरी अब नहीं है। इसके अलावा इसमें काबिले तारीफ बात यह है कि हमारे बच्चों के लिए फॉरेन लैंग्वेज भी वो सीख सकते हैं, इसकी भी आजादी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो हम स्ट्रगल करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, प्राथमिक स्कूल मान लो 200 है अब किसी कैचमेंट एरिया में, उसमें लगभग 95% विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, पांचवी पास होने के बाद छठवीं से आठवीं तक उनकी संख्या गिर जाती है। साथ ही साथ हमारे पास वो स्कूल नहीं है, वो अधोसंरचना नहीं है। इसके बाद हायर एजुकेशन में भी ये, मतलब उच्चतर माध्यमिक में यही पोजीशन, वहां जाते जाते ये जो 95% से स्टार्ट किए थे वो लगभग 51.7 में पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए फंड, अब ठीक है 1986 में वही सवाल, तो क्या इस 640 पेज की शिक्षा नीति में इन कारणों को भी ढूंढने की कोशिश हुई है क्या, कि जो आंकड़ा 97% रहता है प्राथमिक शाला में वो हायर सेकेंडरी में पहुंचकर 52% हो जा रहा है, क्या ये चिंतन की स्थिति, क्या इसे दूर करने की कोई कोशिश, उसको लेकर के कोई सुझाव? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुझाव है। आज के युग के अनुसार वो सभी स्कूलों को स्वायत्तता की बात की, वो स्कूल में फीस निर्धारण के लिए स्वतंत्रता दी है, लेकिन यह भी बोले हैं कि फीस निर्धारण के मामले में ये निजी संस्थाओं की मनमानी भी नहीं चलेगी, इसका भी रिकमेंडेशन है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जैसा, ये सिर्फ स्कूल तक का नहीं है, ये यूनिवर्सिटी तक का भी है, कॉलेजों तक का भी है, इसमें ये जो रिकमेंडेशन है, दुनिया के जो टॉप 200 विश्वविद्यालय हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया है कि आप इंडिया में आ सकते हैं और खोल सकते हैं। यह इतना मिक्स शानदार समन्वय है वैभव जी, कि इसमें चरक की बात की गई है, इसमें पतंजलि की बात की गई है, इसमें आर्यभट्ट की चर्चा है, इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे विदेशी विश्वविद्यालय भी आते हैं, और तक्षशिला की बात है, नालंदा की बात है, हमारे अतीत के गौरव की भी चर्चा है, संस्कृत की भी चर्चा है। तो ये एक अच्छा प्रयास है, और
जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात है तो इसमें निजी क्षेत्र को लैंड बैंक बनाने की भी बात कही गई, उसमें सरकार सुविधा देंगे और लैंड बैंक बनेगी। अब यहां पर जो निजी क्षेत्र के लोग आएंगे उनके नियत के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सही में प्रैक्टिकल लैंड बैंक बनाएंगे या फिर लैंड सरकार उनको उपलब्ध कराएगी, उनका समुचित और व्यवस्थित उपयोग कर पाएंगे। तब सर क्या लग रहा है, जो नई शिक्षा नीति है क्या वास्तविक में उसे क्यों परिवर्तन देख पा रहे हैं? क्या ये शिक्षा नीति बेरोजगारी को कम करने वाली नीति के तौर पर होगी क्या? क्योंकि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो मजदूरी भी कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो क्या करेंगे? तो ये शिक्षा नीति ऐसे शिक्षित बेरोजगार तैयार करने वाली नीति तो साबित नहीं हो जाएगी। देखिए, शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने पूरी चीजों को जोड़ा है, प्राइमरी स्कूल से लेके कॉलेज और पीएचडी और अनुसंधान, इन सभी चीजों को जोड़ा है। और इसे सबसे बड़ी बात यह है कि इसको वैश्विक बनाने की कोशिश हुई है। अब तक की शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर बनती थी, राष्ट्रीय योजनाओं और समस्याओं को लेकर उनके इतिहासों में सिमट के रह जाती थी। इस योजना में 2002 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की जो नीति थी उसको भी यथावत रखा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरी चीजों को छोड़ दिया। प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन को वैश्विक करने के लिए एक संस्कारिक रूप में एक अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। विश्व स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम लागू करने की बात हो रही है और वहाँ पाठ्यक्रम लचीला होगा, जिस राज्य में जो चीजें परिवर्तन करने योग्य होगा, आवश्यकता होगी, कुछ चीजें जोड़ी जा सकती है, कुछ चीजें घटाई जा सकती है। इसके बाद प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल की बात कही है इन्होंने। मिडिल स्कूल में बच्चे का जो कल्चरल डेवलपमेंट जो है, लैंग्वेज कमांड जो है वो डेवलप होना चाहिए। इन्होंने उसमें ये कहा कि हम इसमें 3 भाषा पढ़ाएंगे। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो ऐसे ही 8वीं अनुसूची में घोषित भाषाओं में से किसी 3 भाषाओं को लेकर आपको पढ़ाना होगा। उच्च शिक्षा में इन्होंने 3 टायर बनाकर रखा है। एक तो बनाया है ग्रेजुएशन का, जो अभी 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है। दूसरा आधार बनाया है इन्होंने, वह है कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा जिसके ओकेशनल कोर्स कहा जाएगा, जिसे 3 वर्ष की पढ़ाई के साथ 1 साल का ट्रेनिंग या उसका रिसर्च वर्क या फील्ड वर्क वो करना होगा, ताकि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से मैच्योर होकर पाठ्यक्रम में आए और यह पाठ्यक्रम मूल रूप से वैसा ही होगा। इसमें एक बात और है कि आपको मातृभाषा में शिक्षा देनी होगी। जी, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखें तो क्या मातृभाषा में शिक्षा इस शिक्षा नीति के तहत यहाँ पे दी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं, देखिए, अगर आपकी शिक्षा मातृभाषा इतनी संपन्न है कि आप पाठ्यक्रम उपलब्ध करा सकते हैं तो आप उससे शिक्षा दीजिए, उसमें देना चाहिए ये उसमें सुझाव, क्योंकि नहीं बताया जाता है कि मातृभाषा में शिक्षा देने से। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। छत्तीसगढ़ी में पढ़ाया जा सकता है। देखिए, मैं आपको मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता, छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाने में मेरी बहुत पूर्ण भूमिका रही है। संस्कृति विभाग में रहते हुए मैंने पूरी जिम्मेदारी से उसका निर्वहन किया है। आज भी जब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंट, तो कई बार छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ और वो बोलने से बच्चों के चेहरे में जो खुशियां दिखती है, मापदंडों को समझाने में जो तथ्यों को समझने में सुविधा होती है, वो तो देखिए साहब, जो मातृभाषा जो होती है वो जहन में उतरी होती है, उसके एक शब्द व्यक्ति के विचारों को जागरूक करने के लिए पर्याप्त होते हैं। पर इन्होंने 3 भाषा की बात कही, राष्ट्रीय नहीं, लेकिन वो 5वीं के बाद लागू करना है। 5वीं के बाद पहले तो आपको शिक्षा की स्तर को बुनियादी तौर पे बच्चों को सिखा लीजिए, आप थोड़ा बहुत सीखने की, एक कहा जाए कि टीचिंग प्रैक्टिस उसकी स्टार्ट हो जाए, लर्निंग एटीट्यूड उसमें डेवलप हो जाए, उसके बाद उसको ये देंगे। कॉलेज में आने के बाद जो सबसे बड़ी बात है, इसमें रिसर्च पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, डिग्री के बाद अनुसंधान पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अब जो बात उठ रही थी कि संसाधन है या नहीं है, ये जब लागू हो जाएगा उसके हिसाब से होगा। और दूसरी चीज, नीति और योजना और बजटिंग, ये दोनों पोषण अलग अलग होते हैं। और जहां तक भारत में कोई भी अच्छी से अच्छी योजना ले आइए, अच्छी से अच्छी पॉलिसी ले आइए, वो जो बाबू राज है और ब्यूरोक्रेटिक एक्सप्लाइटेशन एटीट्यूड है, वो जब तक खत्म नहीं करेंगे साहब, तब तक नहीं होगा। मेरे पास ऐसे उदाहरण पड़े हैं, प्रोफेसर की डेथ हो गई, उसको उसका मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं आया, 6 महीना साल भर तक मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसी सुविधाएं आपकी लचर रहेगी, आप जब सुविधा देने की बात कर रहे हैं तो पूरा दीजिए साहब, नहीं तो बंद कर दीजिए। अच्छा, एक सर आपसे, अजय सर, मैं चूंकि ये प्राथमिक शिक्षा को हमको बुनियादी तौर पर सबसे मजबूत करना है, बिल्कुल उसके बेस सबसे ज्यादा बेहतर होना चाहिए, लेकिन वहीं पर ही
तमाम तरह के संसाधनों की कमी होती है, आपके पास अच्छे जो है स्कूल नहीं होंगे, अधोसंरचना आपकी अच्छी नहीं होगी, बैठक व्यवस्था, उसके स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन से लेकर के तमाम चीजें जो है अच्छी नहीं होती, फिर जब आधार ही बेहतर नहीं होगा तो फिर आप कैसे ऊपर तक बेहतर कर पाएंगे? तो क्या शिक्षा नीति में इन सब सारी चीजों का ध्यान रखा गया है क्या कि हम प्राथमिक शिक्षा को पहले मजबूत करेंगे फिर आगे चलेंगे? बिल्कुल वैभव जी, इसमें एक बहुत ही शानदार इनका रिकमेंडेशन है कि प्राथमिक शिक्षा को सबसे ज्यादा मजबूत करना है। अभी तक जो भी शिक्षा नीति आई उसमें वो लोग बोले हैं, लेकिन इसमें जो ये इनका वर्गीकरण किए हैं कि प्राथमिक शिक्षा को कितना महत्व देना है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो बच्चे होते हैं वो जो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, अभी तक का जो हमारा अनुभव है, और वो आप देखिएगा अंग्रेजी जानने वाले 15% लोग औसत में, उनके लिए संभावना बढ़ जाती है। दूसरे तरफ हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में एवरेज 11% बच्चे पहुँचते हैं जो हम 97 से स्टार्ट करते हैं। तो इसी बुनियादी जो प्राथमिक शिक्षा है उसी को मजबूत करना है। इसके लिए सरकार साफ कह रही कि वो तो अपने बजट में जो ऑलमोस्ट 6% जो बात कर रही है, लेकिन 6% 86 में भी बोला गया था कि 6% जीडीपी का करना चाहिए, लेकिन उस समय 78 करोड़ आबादी थी। आज तो आबादी, अब न्यू सेंसस रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है हम 150 करोड़ से ऊपर पार होंगे, ये भी सच्चाई है जो न्यू सेंसस रिपोर्ट आएगी, तो इसमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि फंड मैनेजमेंट की बात कही गई, फंड मैनेजमेंट निजी क्षेत्रों सब सरकार के बस का नहीं है, ये भी सच है, हम जिस विकासशील कंट्री को बिलोंग करते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है टीचरों की ट्रेनिंग, हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच, ये जानना बहुत जरूरी है, और ये इसमें है, इसमें रिकमेंडेशन है। और अब जिस तरह से प्रक्रिया को एक तपाने का प्रयास किया गया है उससे उम्मीद है कि अच्छे लोग, अनुभवी लोग, नॉलेजेबल लोग आएंगे और प्राथमिक शिक्षा इससे मजबूत हो सकती है। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट लूंगा सर आपसे, लेकिन फाजिल सर आपको क्या लग रहा है कि जो विवाद भी हो रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के भीतर में है, तमिलनाडु को लेकर में, हिंदी को लेकर के विवाद की स्थिति क्यों, आखिर नई शिक्षा नीति में ऐसी कौन सी बात कह दी गई है जिसको लेकर के एक विवाद हो रहा है, विरोध हो रहा है? देखिए एक्चुअल में जैसे बात, जहाँ तक अपन बात करते हैं कि भाषा और नॉलेज का क्या कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली अगर बच्चा अपनी मातृभाषा में अगर कोई चीज सीखता है तो वो ज्यादा बेहतर रिटेंड करता है, वो उसका विजुअल देख पाता है, उसकी रिएक्शन टाइम ज्यादा अच्छी होती है, उसकी रिकॉलिंग बेहतर होती है, उसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, उसका बोर्डम कम होता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो अपनी मातृभाषा में सीखना बेहतर है। अब जहां तक बात है साउथ की, तो वो उनका थोड़ा आज नहीं, उनकी वो पॉलिटिकल इशू है कि पहले से ही वो लोग इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रखे हैं। मुझे लगता है कि ये फ्रीडम अच्छी बात है, इसमें कि ये फ्रीडम दी गई है कि आप तीन जो थ्री लैंग्वेज है तो उसमें कोई दो लैंग्वेज तीन लैंग्वेज में आप सीखिए, एक इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगा आपको, अलावा इसकी हिंदी भी होनी चाहिए। और ये जो साउथ के लोग हैं जो ये जो विवाद हो रहा है ये पॉलिटिकल है, तो अगर मैं पहले बोला कि इसमें संवाद की जरूरत है, कोई भी चीज अगर आप ऊपर से एक दिन में थोपेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन और डिलेमा और ये इस तरह होता है, तो क्यों ना इसको डिस्कस किया जाए और डायलॉग हुआ जाए और कोऑर्डिनेशन हो जाए, क्योंकि पूरे देश में ये नीति अलगानी है, फिर ये तोड़ फोड़ चलेगा। अब ये जहां तक बात की अभी तो इसमें है कि क्वालिटी तभी इंप्रूव होगी जब आपके आपके टीचर्स इंप्रूव होंगे, जब आप और आपके टीचिंग पैटर्न और आपके टेक्नोलॉजी को आप उसमें वो ज्यादा बेहतर करेंगे, और उन सबके लिए बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउ टू इन्वाइट गुड पीपल। यू हैव अ टीचर बाय चॉइस, बाय चांस यू डोंट हैव अ टीचर बाय चॉइस, तो यू शुड गेट टीचर बाय चॉइस। अच्छे लोगों को कैसे हम इन्वाइट करेंगे इस शिक्षा में, और तब जाके एक बड़ा बदलाव आएगा। तब अगर हमें बदलना है, क्योंकि 21st सेंचुरी के एजुकेशन में बात हुई कि वो भी हम लेंगे, लेकिन वो 21st सेंचुरी का एजुकेशन। अच्छा एक आप संक्षिप्त में बताइए, मैकाले की शिक्षा नीति और अभी नई शिक्षा नीति, क्या ये संघ की शिक्षा नीति जो संघ जिस पे काम कर रहा था बता रहे थे, क्या उसकी पृष्ठभूमि है क्या इसमें? देखिए मैकाले की शिक्षा नीति में जो बनाई गई थी वो इनको उनको चाहिए था बाबू, तो बाबू चाहिए था, उसमें चिंतन नहीं था, फ्रीडम नहीं था इसमें है।
कब होगा? जब आपके क्लासरूम के अंदर में टीचर्स को देगा फ्रीडम, जब आप टीचर्स को फ्रीडम देंगे, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, फ्रीडम नहीं होगा, अगर कोई भी शिक्षा नीति जिसमें फ्रीडम ना हो वो वैसे ही एज गुड एज मैकेलिस्ट शिक्षा नीति। तो जब बच्चों को फ्रीडम दिया जाए, वो क्रिएटिविटी के डेवलप किए जाए, उनका IQ EQ SQ लेवल डेवलप किया जाए, तब कहीं वो चिंतन लेगा। फिर अगर बुकिश बातें करेंगे तो फिर आपने बांध दिया, और जब तक आप बांधोगे वो तब तक मैकेली की शिक्षा नीति कहलाएगी। ठीक है, एक लास्ट कमेंट सर, 30 सेकंड बचे हैं मेरे पास। देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति है इसका उपदेश क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। बार बार बात उठ रही थी बच्चे कहाँ जाएंगे, इतने पास आउट नहीं हो रहे, जो पास आउट हो रहे हैं उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं उनको अच्छा मैदान मिले, अच्छा कार्य करें, हमको अच्छा नागरिक बनाना है और बेरोजगारी पैदा नहीं करनी है। जो 12वीं पास कर लिया उसके बाद नहीं पढ़ना चाहता, मोस्ट वेलकम, पर 12वीं की गुणवत्ता के आधार पर कार्य करेंगे, क्योंकि हर स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता होगी, उसके आधार पर शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पे अनुसंधान से लेकर प्राइमरी स्कूल तक के मतलब टीचरों की व्यवस्था तक है, सुविधाएं क्या प्रदान करना, इसका भी उल्लेख है। इस कारण ये चीजों को मान के चलना, और दूसरी बात जो बार बार कही जा रही है।